Hello students. In third video lecture of unit 2, that is solutions, you will do practice on numerical problems. First question 1 liter sample of seawater is found to, found to contain 5.8 into 10 power minus 3 gram of dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen in, uh, in seawater in ppm. डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03 पॉइंट जीरो थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो इन दिस क्वेश्चन यर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिस विल वर्क एज सल्यूट दैट इज़ गिवन सॉल्यूशन सी वाटर विल वर्क एज सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवेन एंड अमाउंट ऑफ सल्यूट गिवेन इन ग्राम देयर फोर वी हैव टू कन्वर्ट

1000 ml into 1.03. Here 1.03 is the density of seawater. So the mass of one liter of sea water will be 1030 gram. Now we have to convert we have to find the concentration in term of PPM as we know that concentration in term of parts per million is equal to extent of solute upon extent of solution. Here extent of solute in gram and also the extent of solution in gram. So in this case we may write ppm concentration is equal to mass of solute upon mass of solution into 10 power 6 equal to 5.8 into 10 power minus 3 upon 1030. Here 5.8 into 10 power minus 3 is the mass of solute that is mass of oxygen in gram. 1030 is the mass of seawater into 10 power 6.

इज इक्वल टू मास ऑफ़ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन एट द प्लेस ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन वी मे राइट मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सलूट सो इन दिस क्वेश्चन ग्लूकोज टू ग्राम ग्लूकोज विल बी वर्क एज सल्यूट एटीन ग्राम वाटर एज द सॉल्वेंट दे आर फोर इन टर्म ऑफ मास परसेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन सो एट द प्लेस ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सालवीन शुड भी रिटर्न सो परसेंटेज कंसंट्रेशन वेट बाई वेट इज्कवल टू टू अपॉन एटीन प्लस टू सो हियर एटीन इज द मास ऑफ सालवीन टू इज द मास ऑफ सोल्यूट सो आई एंड बी गोइंग टू कैलकुलेट दर्सेंटेज कंसेंट्रेशन दे आर फॉर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सो फाइनली टेन परसेंट ग्लूकोज प्रजेंट इन दोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन मोल पर लीटर इफ फोर्टी ग्राम ऑफ इट इज डिज़ॉल्व इन एन अफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अपू टू लीटर सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट हियर कंसंट्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर दैट इज कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलेरिटी फोर्टी ग्राम ऑफ ग्लूकोज वील बी वर्क एज सल्यूट विच इट इज आल बी एनअ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम टू लीटर सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूसनवल टू टू लीटर आज वी नो दैट मोलेरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर सो टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट गिवेन मास ऑफ सलूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मास इज गिवेन दैट इज फोर्टी ग्राम ऑफ ग्लूकोज देअर फोर नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गि मास फोर्टी अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज वन हंड्रेड

वॉलूम एट द प्लेस ऑफ वॉलूम भी वी हैव टू राइट द वॉलूम इन टर्म ऑफ एम एल बिकॉज हियर वी टेकिंग द टर्म थाउजेंड सो टू लीटर ऑफ सोल्यूशन दैट इज टू थाउजेंड एम एल सो आम पुटिंग द वैल्यू मोलरटी इज इक्वल टू फोर्टी इंटू थााउजेंड अपन वन हंड्रेड एट्टी इंटू टू थाउजेंड सो हियर फोर्टी इज द मास ऑफ सल्यूट दैट इज ग्लूकोज वन हंड्रेड एट्टी इज द मोलर मास ऑफ सलूट दैट इज ग्लूकोज सो फाइनल आंसर विल भी 0.11 mole per liter that is 0 0.11 molar so the concentration term a mole per liter will be 0 0.11 now next question a solution contains 25% water 25% ethanol and 50% acetic acid by mass कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट इन दोल्यूशन थ्री कंपोनेंट आर प्रजेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट वाटर ट्वेंटी फाइव परसेंट एथेनाल एंड फिफ्टी परसेंट एथेनोइक एसिड एट इज एसटिक एसिड सो दीज आर थ्री कंपोनेंट सो कंपोनेंट आर वाटर एथेनाल एंड एथेनोइक एसिड एट इज एसटिक एसिड दीज पर्सेटेज गिवेन इन टर्म ऑफ बाई मास सो ट्वेंटी फाइव परसेट वाटर मीन्स ट्वेंटी फाइव ग्राम वाटर ट्वेंटी फाइव परसेंट इथेनाल मीन्स ट्वेंटी फाइव ग्राम एथेनाल फिफ्टी परसेेंट एसिटिक एसिड मीन्स फिफ्टी ग्राम एसिटिक एसिड सो टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ इच कम्पोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इच कंपोनेंट एज वी नो दैट इफ द मास इज गिवेन देन नंबर ऑफ मोल्स एंड इजकल टू given mass upon molecular mass so for the water for water given mass is 25 percent that is 25 gram and molar mass of water is 18 therefore number of moles of water will be mass that is 25 gram upon molar mass that is 18 it will be equal to 1.38 similarly number of moles of ethanol इन सच सिचुएशन आल्सो गिवेन मास ऑफ एथेनाल अपॉन मोलर मास ऑफ एथेनाल फार्मूला ऑफ एथेनलॉज सी टू एच फाइव ओ एच इट मोलर मास विटी सिक्स देयर फोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनाल विल बी ट्वेंटी फाइव अपन फोर्टी सिक्स इज्क्ल टू जीरो पॉइंट फाइव फोर थ्री नेक्स्ट इज एथेनोइक एसिडी एच टी कसिड फार्मूला इज सी एस थ्री सी ओ एच इफ यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड इट विल इक्वल टू सिक्सटी

लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज एक्स वन सो इट विल्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनाल्स ऑफ एथेनोई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वी कैलकुलेटेड यट इज वन पॉइंट थ्री एट सो ऑनपुटिंग वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वन पॉइंट थ्री एट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वन पॉइंट थ्री एट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनाल ट इज पॉइंट एट थ्री थ्री सो आई एम साल्विंग वी गेटिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज जीरो पॉइंट फाइव अगेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट दैट इज एथेनॉल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल इज पॉइंट फाइव फोर थ्री अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स दैट इज वन पॉइंट थ्री एट फॉर वाटर पॉइंट फाइव फोर थ्री फॉर एथेनाल पॉइंट एट थ्री थ्री फॉर एथेनोइक एसिड सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलोल इथेनाल विल बी पॉइंट सेवन सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ एसटिक एसिड वी में फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसटिक एसिड एच वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनाल इन दिस वे बी मे आल्सो फाइंड आउट आर बी मे सिंपली कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड एसटिक एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनाल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड सो दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट एट थ्री थ्री अपॉन वन पॉइंट थ्री एट प्लस जीरो पॉइंट फाइव फोर थ्री प्लस जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री सो न मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड अटीज एस्टिक एसिड विल बी पॉइंट थ्री जीरो टू नेक्स्ट क्वेश्चन इफ डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज पॉइंट सेवन नाइन थ्री ग्राम पर एम एल वॉट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग टू पॉइंट फाइव लीटर ऑफ इट्स जीरो पॉइंट टू फाइव मोलर सोल्यूशन सो टू सा दिस क्वेश्चन आई वी नो दैट मोलेरिटी इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपन वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर इफ वी टेक द नंबर ऑफ इफ वी टेक द वॉल्यूम इन एम एल एट दू मे राइट द फॉर्मुला मोलैरिटी इज कल टू डब्लू बी थाउजेंड upon mb into v volume here in ml wb upon mb indicate the number of moles of solute in the question it is given molarity 0.25 number of mb molar mass of methanol will be 32 volume is given 2.5 liter in ml it will be 2500 ml ऑन पुटिंग वेल्यू बी में फाइंड आउट द मास ऑफ मेथेनाल दैट इज डब्ल्यू बी सो डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम नाउ वी में फाइंड वी में फाइंड वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ

क्वेश्चन दट इज पॉइंट सेवन नाइन थ्री सो वॉलूम ऑफ मेथेनाल इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू टू एम एल सो दिस विल बी द वॉलूम ऑफ मेथेनाल टू प्रिपेयर टू पॉइंट फाइव लीटर ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मोलेटी मोलर सोल्यूशन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोलेरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ज़ीरो पॉइंट एट एंड इट्स डेंसिटी इज वन पॉइंट जीरो सिक्स ग्राम पर एम एल वाट बी इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलेलिटी मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. वी नो दैट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट अपॉन मास ऑफ सालवेंट इन किलोग्राम इन द्वेश्चन मोलेरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवेन पॉइंट एट पॉइंट एट मोलेरिटी गिवन पॉइंट एट पॉइंट एट मीन्स पॉइंट एट मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन सो इन शर्ट वी कैन से दैट पॉइंट एट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी इज गिवेन सो वी मे फाइंड आउट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजाल विन वन लीटर सो यर मास आई विट नंबर ऑफ मोल्स इज कल टू गिव मास अफ मोलर मास देयर फोर मास इज कल टू नंबर ऑफ मोल्स इन टू मोलर मास सो नंबर ऑफ मोल्स वी मे टेक पॉइंट एट बिकॉज इन द क्वेश्चन गिवेन पॉइंट एट सो पॉइंट एट मीन्स मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज पॉइंट एट मोल पर लीटर सो हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट सो मास सल्फ्यल बीन वन लीटर विल भी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यिक एसिड इन टू इट मोलर मास सो देट विल भी इक्वल टू सेवेंटी एट पॉइंट फोर ग्राम सो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन बीज सेवेंटी एट पॉइंट फोर ग्राम now mass of 1 liter solution here the density is given 1.06 and in the question molarity of sulfuric acid solution given that is 0 0.8 so we may find out mass of 1 liter of solution that will be equal to volume into density so volume is 1 liter that is 1000 ml and density given in the question 1.06 so the Mass of one liter of solution will be one thousand sixty gram. Here we calculated mass of solute and mass of solution. To calculate molality, we need the mass of solvent. Here we knowing two terms, that is mass of solute and mass of solution. Therefore, mass of solvent will be equal to mass of solution. Mass of solution. माइनस मास ऑफ सल्यूट सो वी विल गेट द मास ऑफ सालवेंट सो इास ऑफ सोल्यूशन इज वन थाउजेंड सिक्सटी ग्राम एज वी कैल्कुलेटेड मास ऑफ सलूट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड सेवेंटी फोर ग्राम ऑफ सालवेंट विलू वन थाउजेंड सिक्सटी माइनस सेवेंटी एट पॉइंट फोर इजक्ल टू नाइनल हंड्रेड एटी वन पॉइंट सिक्स ग्राम Now, molality. Molality, we know that molality is the concentration of solution in which we take the ratio of number of moles of solute to the mass of solvent in kilogram. If the mass of solvent in gram, then we may write the formula Wb into 1000 upon Mb into Wa. Here, Wb upon Mb, that is the number of moles, means Wb is the mass of solute. एंड एम इज द मोलर मास ऑफ सलूट इाउजेंड टू कन्वर्ट द मास ग्राम इं टू किलोग्राम वी टू कियर थाउजेंड टब्ल्यू एज द मास ऑफ सलवेंटीन ग्राम सो द मास ऑफ सलूट वी कैलकुलेटेड दैट इज सेवेंटी एट पॉइंट फोर मोलर मास ऑफ सलूट दैट इज सल्फीरिक एसिड आई यू नो द मोलर मास ऑफ सल्फीरिक एसिड नाइंटी एट ग्राम पर मोल

किलोग्राम मोल पर किलोग्राम विल बी द मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आल्सो फाइंड आउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन एज वी नो दैट मोल फ्रैक्शन is equal to number of moles of particular component upon number of moles of components present in the solution here two component the solution is binary solute is sulfuric acid and solvent we calculate the solvent that is 981 so first of all we need to find out द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन द क्वेश्चन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, वन कंपोनेंट गिवेन दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इन द क्वेश्चन दैट इज पॉइंट एट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट इज वाटर सो यर मास ऑफ साल्वेंट डेटी वाटर बी कैल्कुलेटेड नाइन हंड्रेड एट्टी वन सो नंबर ऑफ मोल्स विल्स ऑफ वाटर नाइन हंड्रेड एट्टी वन पॉइंट सिक्स अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इज एटीन सो आफ्टर सोल्यूशन द आंसर विल बी फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट विल फोर पॉइंट फाइव थ्री सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस एसिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट अपॉन नंबर टू मास ऑफ वाटर एटीन प्लस नंबरिक एसिड पॉइंट एट सो आल्विंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फोर पॉइंट फाइव थ्री

मोलेलिटी ऑफ अप फिफ्टीन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी डेंसिटी इज गिवेन वन पॉइंट जीरो टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू वी हैव टू फाइंड आउट द टू टाइप ऑफ कंसनटेशन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन इज गिवेन परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज गिवेन दैट इज फिफ्टीन परसेंट मींस फिफ्टीन ग्राम सल्यूट डिजालवीन एटी फाइव ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज फिफ्टीन परसेंट ऑफ सल्यूट फिफ्टीन ग्राम ऑफ सल्यूट प्रसेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सल्यूशन इन अदर वर्ड भी में से फिफ्टीन ग्राम ऑफ सल्यूट डिजालवीन एटी फाइव ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवीन टर्म आ वेट बाई वेट परसेंटेज कंसेंट्रेशन फिफ्टीन परसेंट गिवेन डेंसिटी गिवेन दैट इज वन पॉइंट जीरो टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज वी आलरेडी नो सपोर्ट सो द मोलर मास नाइंटी एट ग्राम पर मोल सो द मोलेरिटी मोलेरिटी एज वी नो वी मे आल्सो कैलकुलेट मोलेरिटी विदार्मूला मोलेरिटी इज कल टू एक्स इंटू डी इंटू टेन अपॉन एम बी एक्स इज द Percentage concentration, D is the density of solution, Mb is the molar mass of solute. So, here solute is sulfuric acid, molar mass will be 98. So, I putting value x at the place of x that is percentage is 15 percent, density 1.02 into 10 upon molar mass of sulfuric acid 98. So, answer will be 1.56 mole per liter that is the molarity of. टू कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ साल्वेंट सो हियर मास ऑफ सोल्यूट इज गिवेन ग्राम मास ऑफ साल्वेंट दैट इज एटी फाइव ग्राम बिकॉज द टोटल सोल्यूशन हंड्रेड परसेंट इन दैट सोल्यूट इज फिफ्टीन परसेंट एंड कंसेंट्रेशन गिवेन इन टर्म ऑफ

इन ग्राम एट देट टाइम वी टेक द टर्म थाउजेंड सो हियर मोलेलिटी इज कल टू डब्लू बी देट इज द मास ऑफ सल्यूट इन द क्वेश्चन ग्राम इंटू थाउजेंड हियर इट शुड नाट बी हंड्रेड इट शुड बी थाउजेंड डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए सो हियर जीरो इज लेफ्ट So here it should be thousand this term, Remember. So W B that is the mass of solute is fifteen percent. That is fifteen gram. Molar mass of solute that is sulfuric acid ninety eight. Upside into thousand. The answer W A means mass of solvent that is eighty five gram. So the final answer will be one point eight. Molality will be one point eight. That is. लोग्राम सो फाइनली हिबी कैलकुलेटेड द मोलेलिटी ऑफ सोलूशन इज इक्वल टू वन पॉइंट एट मोल पर किलोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मेथेनाल इन फाइव लीटर ऑफ इट्स टू मोललिवन मीन्स मोलेलिटी इल्यूशन जीरो पॉइंट नाइन एट किलोग्राम पर लीटर मास ऑफ मेथेनॉल थर्टी टू ग्राम पर मोल सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ मेथेनॉल इन फाइव लीटर सोलूशन वी हैव टू कैल्कुलेट मोल्स ऑफ मेथेनॉल सो टू साल दिज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट माश फाइव लीटर ऑफ सोल्यूशन य डेसिटी माश फाइव लीटर ऑफ सोल्युशन टू कैलकुलेट सिंस द सोल्यूशन गिवेन वॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज गिवन फाइव लीटर सो टू कैलकुलेट मास वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी सो मास फाइव लीटर सोल्यूशन वील इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्युशन That is 5 into density of solution that is given in the question 0 0.981. So that will be equal to 4905 gram. So here mass of 5 liter solution will be 4905 gram. Now mass of 1 liter 2 molar solution. 1 liter 2 molar solution. For this

So it will be equal to 9.22 mole. So this will be the answer. Means this will be the number of moles of number of moles of methanol present in 5 liter 2 molar solution.